आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं रितिका डोंगरे और आज का वीडियो है एक दिन हमने गंगा सागर आइलैंड पे कैसे बिताया। क्रूज से हम स्टेप आउट हो चुके हैं और जैसे हम स्टेप आउट कर रहे हैं एक ब्रिज आता है और ब्रिज को जैसे हम क्रॉस करते हैं हम गंगा सागर आइलैंड पे स्टेप इन कर लेंगे। क्रूज में काफ़ी बुज़ुर्ग लोग आए थे, काफ़ी बड़ा ग्रुप आया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा क्रूज़ का, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि आपको बहुत मज़ा आएगा। और एनीवे, तो हम गंगा सागर आइलैंड पे स्टेप इन कर चुके हैं। हर एक पॉइंट पे मैं आपको बताती जाऊंगी कि हमने किस तरीके वहाँ पे क्या क्या होता है। तो बेसिकली एक आइलैंड है, इसकी कनेक्टिविटी फेरी, शिप और क्रूज से है। तो यहाँ पे फेरी इज़ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको आइलैंड से बाहर जाना है, इस पॉइंट पे आप टिकट लेके यहाँ पे लाइन लगती है फेरी के लिए। ये मेन मुख्य द्वार जो है गंगा सागर आइलैंड का, ये वो आ गया है। यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे नारियल पानी तो आप देख ही रहे हैं और गोलगप्पे हो गए और स्नैक्स वगैरह हो गए, फ्रूट्स हैं। राइट साइड में ही टॉयलेट है फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, क्योंकि एक क्रूज़ का सफ़र इतना लंबा होता है तो ऑब्वियसली हमें फ्रेश होने के लिए उन्होंने जस्ट गेट पे ही बना है, तो आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप स्टेप आउट करोगे राइट साइड में मिलेगा। यहाँ पे कई सारी शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पे भोजन की व्यवस्था है, स्नैक्स मिल जाएगा, चाय मिल जाएगा। और जैसे आप स्टेप आउट करते हो आपको कई सारे लोग कई तरह की गाड़ियाँ होती हैं, वैन हो गई हैं, ई रिक्शा हो गया है, ऑटोज़ हो गए हैं। तो जैसा भी आपका बजट है आप उस हिसाब से वो ले सकते हैं। जैसे वैन और फोर व्हीलर्स होती है वो काफ़ी महंगी होती है, करीबन 1000-1200 रुपये मांगते हैं वो। यहाँ से गंगा सागर 30 किलोमीटर तक लगता है, तो हमने तो ई रिक्शा किया था। ई रिक्शा ने हमें 250 रुपये लिए थे गंगा सागर आइलैंड तक पहुँचाने के लिए, और करीबन ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा लगा। लेकिन सफ़र काफ़ी अच्छा था, बहुत सारे शॉप्स थे बीच में और आइलैंड की खूबसूरती बहुत अच्छी, मतलब हमने लिटरली इन्जॉय किया। अब हम आइलैंड पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे सारी व्यवस्था जो होती हैगी, जैसे तौलिया हो गया, टॉवल हो गया, या लोग यहाँ पे पानी भर के ले जाते हैं तो ये वाटर बॉटल हैं प्लास्टिक की, ये हैं, और शेल्स के कई सारी ज्वेलरी मिलती है। तो इतनी क्लिनलीनेस की तो ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, जैसे आइलैंड का पानी का स्तर भी बढ़ता और घटता रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे कीचड़ हो जाती है। तो अभी पानी का स्तर बहुत नीचे हो गया था, तो अब हम नीचे की तरफ जाएंगे और कुछ शॉप्स में जैसे इस तरीके के क्लचर्स मिलते हैं यहाँ पे, शेल का यहाँ पे ज़्यादातर मार्केट है। ये जयमा गंगा, यहाँ हम गंगा सागर आइलैंड पे आ गए हैं। कई सारे लोगों ने, हमने यहाँ पे स्नान कर लिया था और चेंज कर लिया था, और कई सारे आइलैंड के बच्चों के साथ हमने खेल भी खेला, हमें बड़ा मज़ा आया, उन्हें भी बड़ा मज़ा आया, और काफ़ी अच्छी जर्नी रही। गंगा सागर में स्नान करने के बाद हम कपिल मुनि ऋषि के आश्रम आ चुके हैं। यहाँ पे हमने प्रसाद लिया बाहर से। ई रिक्शा जो रहेगा वो आपको यहाँ तक भी पहुँचाएगा। यहाँ पे कई सारी भीड़ है, थोड़ी साफ़ सफाई की अच्छी सी व्यवस्था नहीं है, बट ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मंदिर के अंदर गए हैं हमारी फैमिली ने, बाकी सारे लोगों ने पूजा की है। अभी एक चीज़ और यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 3:30 बजे जो यहाँ पे ये आश्रम के द्वार बंद हो जाते हैं भोग के लिए, तो आप उससे पहले आइए वरना फिर आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्तंभ बना हुआ है जिसको सिंदूर चढ़ाया जाता है, और जैसे मैं आपको बताई थी, देखिए 3 बज चुके हैं और द्वार बंद हो गया। अब हम आए थे ई रिक्शा से, काफ़ी लेट हो गया था हमें, जाते टाइम हमने ऑटो किया, ऑटो ने करीबन हमें 1 घंटे से पहले जो जहाँ पे फेरी और क्रूज लगते हैं, कछुबेरिया जो स्पॉट था, वहाँ पहुँचा दिया। फिर सुबह से फिर हमने चाय पी, क्योंकि शाम के अभी करीब 4 बज चुके थे। हमने यहाँ से चाय ली, बिस्किट्स लिए, स्नैक्स लिए। देखिए लोग फेरी के लिए भाग रहे हैं। फिर हमें काफ़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी क्योंकि बीच में हमें समय नहीं मिल पाया। तो ये एक भोजनालय है, यहाँ पे
मैंने तो क्रूज का जो लंच दिया था वो खा लिया था, तो मुझे तो भूख नहीं लगी, बट मेरी फैमिली मेरी सिस्टर और मदर ने यहाँ पे एक थाली ली थी। थाली में करीबन 70 रुपये की थाली थी, उसमें 3 प्रकार की सब्जियाँ थी और रोटी थी, चावल था। लेकिन हमने, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं खाना था, हमने बहुत लिमिटेड खाना लिया। हमने अलग से दही लिया था और दही के साथ साथ रसगुल्ले लिए थे, और इन सारी चीज़ों का टोटल हमें करीबन 150 या 170 कुछ आया था एग्जैक्टली। हाँ, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 170 मान के चलिए। और उन्होंने, हमने लेनी तो एक ही सब्ज़ी थी, लेकिन उन्होंने हमें सारी सब्ज़ियाँ टेस्ट करा दी थी। काफ़ी अच्छे वार्म लोग थे यहाँ पे, उन्होंने बहुत वार्म्थ के साथ खाना खिलाया। आइलैंड पे आके बहुत अच्छा लगा हमें, काफ़ी अच्छी लाइफ लगी वहाँ पे, बहुत स्लो एंड यू नो इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग। खाना बेसिक था, अच्छा था, एडिबल था, स्वाद था। पापड़ भी दिया उन्होंने साथ में, हमें अचार भी दिया, आप देख सकते हैं। मैं आप एक बारी आपको बता देती हूँ ये कैसा ढाबा है। ढाबे में छोटे छोटे स्टूल टेबल्स रखे हुए हैं, फैमिली रन करती है और अच्छा है, ज़्यादा भीड़ नहीं है बट अच्छा है। सो हमारे क्रूज का जाने का टाइम हो चुका है, 5 बजे हमें वापसी क्रूज में चेक इन करने हैं। अगेन ये भीड़ वाला स्पॉट है, यहाँ पे फेरी के लिए भीड़ लगी हुई है, और तब तक हमारा क्रूज अभी ये हम आ चुका है, और अभी रात के 9 बज गए हैं। हमने 5 बजे बैठे थे और रात के 9 बज गए हैं, अब हम कोलकाता पहुँच चुके हैं। और एक अच्छी जर्नी रही है, जितने भी लोग हिंदू धर्म को जानते हैं, मानते हैं, या दूसरे भी धर्म के हों, और अगर वो जाना चाहें तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आपको लाइफ में कम से कम एक बार गंगा सागर ज़रूर जाना चाहिए। कहते हैं ना, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।